हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल नामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। आज हम देखने वाले हैं अपनी वही सीरीज जो अभी तक हमने स्टार्ट की थी। हम पढ़ रहे थे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी हमारा चल रहा था, उसी सेट थ्योरी को हम आज पढ़ेंगे। सेट थ्योरी में अभी तक हमने 2 से 3 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं और आज हम नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स इन ऑल आज हम देखने वाले हैं कि टाइप ऑफ सेट्स, मतलब सेट्स कितने टाइप का होता है। डिफरेंट व्यू पर डिफरेंट टाइप के सेट्स मिलेंगे हमें। आज हम उन्हीं सेट्स को समझने वाले हैं। कितने सेट्स होंगे हमारे, वो ही आज हम देखेंगे। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं आज की फर्स्ट डेफिनेशन कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। पहला होता है फाइनाइट सेट, माना एक सेट है। पहला तो डेफिनेट देखो, डेफिनेशन मतलब एक शब्द में हम कहें तो फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स को काउंटेबल किया जा सके, काउंट किया जा सके। मतलब फाइनाइट सेट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट विच कैन बी काउंटेड, मतलब जिन्हें गिना जा सके। आप ये भी डेफिनेशन देख सकते हो, अ फाइनाइट सेट इज वन ऑफ इन इज वन इन विच इट इज पॉसिबल टू लिस्ट एंड काउंट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट, मतलब सारे के सारे मेंबर्स को काउंट किया जा सकता है। इसे ही हम कहते हैं फाइनाइट सेट। मतलब केवल सेट देखने से पता चल जाएगा फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। जैसे पहला एग्जांपल दे रखा है कि डेज ऑफ वीक, हम जानते हैं कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, मतलब एक फाइनाइट सेट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है। डी संडे मंडे ट्यूजडे पता है, नंबर ऑफ डी मतलब एलिमेंट इन डी क्या है, 7, विच इज काउंटेबल, सो इट इज फाइनाइट सेट। मतलब जो काउंटेबल है वो फाइनाइट है, जो अनकाउंटेबल वो इनफाइनाइट है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि द सेट ए हैज 5 एलिमेंट्स एंड सो इट इज अ फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल से देखते हैं, द सेट एफ हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट सो इट इज अ फाइनाइट नंबर। हाँ एफ एफ में, क्योंकि देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3, 3, 6, 7 एलिमेंट हैं। 6 एलिमेंट हैं, इसका मतलब है कि हम उसमें गिन सकते हैं, 7 एलिमेंट हैं, इन्हें काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल है। काउंटेबल है तो इसका मतलब केवल एक ये कि ये काउंटेबल होने के साथ साथ ही फाइनाइट भी है। जैसे एक एग्जाम्पल देखता हूँ मैं आपको, मूवीज एक्टेड बाय SRK, मतलब शाहरुख खान के द्वारा बनाई गई फिल्म कौन कौन सी आप बता सकते हो। आप गूगल पर जाकर केवल एक ये वाला वर्ड टाइप कीजिए, आपको आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी, सारी लिस्ट कंप्लीट लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि SRK ने कितनी मूवीज बनाई। मतलब यह एक फाइनाइट सेट है, इसकी एक डेफिनेशन है, इसीलिए एक सेट है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, इसीलिए काउंटेबल है, इसीलिए फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी इनफाइनाइट सेट। मतलब केवल नाम से ही क्लियर हो रहा है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट को गिना जा सके, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसमें एलिमेंट्स काउंटेबल हो, काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं कि ये एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट आ गया होगा आपकी समझ में, इनफाइनाइट सेट। एन इनफाइनाइट सेट इज वन इन विच इज नॉट पॉसिबल टू लिस्ट एंड काउंट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट, मतलब कि जो सेट है उसके सभी एलिमेंट्स को, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट कांट बी काउंटेड, मतलब काउंट नहीं किए जा सकते, काउंट नहीं किए जा सकते। तो इसका केवल एक ही मतलब है कि यह एक इनफाइनाइट सेट है। आप केवल सेट देख के ये पहचान सकते हो कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट। इसके लिए आप केवल एक काम करोगे कि आप देखोगे कि मैं इसमें सेट्स के जो एलिमेंट है उन्हें काउंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अगर कर सकता हूँ तो ये फाइनाइट सेट है, अगर नहीं कर सकता तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। जैसे आप देख सकते हो कि इवन नंबर्स ग्रेटर देन 9, मैं जानता हूँ कि 9 के बाद 10, 12, 14, 16, 20, मतलब दिस सीरीज इनफाइनाइट, मतलब यह सीरीज इनफाइनाइट तक जाएगी, कोई इसका एंड नहीं होने वाला है। मतलब कि इवन नंबर की डेफिनेशन ये है कि हर वो नंबर जो 2 से कटता है या 2 से विभाजित होता है, मतलब द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स, इवन नंबर बोलेंगे हम, और 9 से बड़ा इनफाइनाइट नंबर्स हैं, काउंट नहीं किया जा सकता उन्हें, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया क्योंकि इसमें एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इज इनफाइनाइट।
whole number greater than 200 से number 1, 2, 3, 4 dead infinite तक जाएगा, मतलब कोई countable नहीं, infinite हो गया. Next देखते हैं अपना. An empty set is a set which has no members. Empty set. अब है main अपना empty set. आप इन सारी definitions को पढ़िए, याद भी कीजिए, उसके बाद हम इन डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ केवल और केवल क्वेश्चंस पर टारगेट किया जाएगा, और इसके अलावा कोई भी आपको थ्योरी नहीं बताई जाएगी, बिल्कुल थ्योरी नहीं बताई जाएगी, केवल आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे. अभी तक हमने क्या चीजें देखी हैं, आपको पता हो शायद, कि हमने सबसे पहले समझा कि सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन देखी. सेट की डेफिनेशन देखने के बाद में हमने टाइप ऑफ सेट्स देखे, कुछ नंबर, कुछ स्पेशल सेट्स से नेचुरल नंबर हुआ, रियल नंबर हुआ, इस टाइप के सेट्स देखे, उनको रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखा, कुछ टर्मिनोलॉजी सीखी हमने, अपसाइला सीखा हमने, और इसके बाद ये हो गए थे सारे. फिर उसके बाद हम आए टाइप ऑफ सेट्स पर. टाइप ऑफ सेट्स में हमने दो टाइप के सेट्स देख लिए, पहला हो गया फाइनाइट सेट और सेकंड हो गया अपना इनफाइनाइट सेट. दो सेट सीखने के बाद आज हम एम्प्टी सेट और नल सेट देख रहे हैं. एम्प्टी सेट और नल सेट देखेंगे इसके बाद, एम्प्टी सेट इसके बाद, और इसकी एक दो टाइप और हैं वो भी देखेंगे. जैसे एन एम्प्टी सेट इज अ सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट. फाइनाइट सेट वो था जिसमें एलिमेंट को काउंट किया जा सकता है. इनफाइनाइट सेट वो था जिसमें एलिमेंट को काउंट नहीं किया जा सकता. और ये है एम्प्टी सेट, नल सेट. ये वो सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ना काउंट किए जा सकते हैं ना किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें एलिमेंट होते ही नहीं है. मतलब ये एक नल सेट होता है, मतलब वॉइड सेट, कुछ नहीं. इसे एक और नाम रहता है विच इज वॉइड सेट, इसे हम वॉइड सेट भी बोलते हैं. Word set H, the number of dinosaurs on earth. ये बताइए एक सेट है H which is equal to the number of dinosaurs on the earth. बताइए, पहली बार तो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते हमारे रियल वर्ल्ड में. इसका नंबर है, ये एक एम्प्टी सेट है. एम्प्टी सेट को दो तरीके से दर्शाया जा सकता है, रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं फाइव को. एक तो ऐसे है कि ब्रैकेट बना दो ये, और दूसरा ये रहता है फाइव, ठीक है. या तो ऐसे लिख दो, या फिर ये पहला तरीका यही है, ये ब्रैकेट, ठीक है. अब आप देखिए, एक यह एक टर्मिनोलॉजी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है हमारे थॉट्स को, कि सर ऐसा लिखा है. अगर ऐसा लिखा है, ये देखिए, तो हम ये सोच लेते हैं कि सर ये एक नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है. लेकिन रियलिटी ये है, अगर मैं इसे ए मानूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू वन. क्यों वन क्यों है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, दैट एलिमेंट इज फाइव. वो एलिमेंट फाइव है, मतलब इसमें एक एलिमेंट है. और एक और देखिए, कभी कभी हम इसे फाइव समझ लेते हैं. इसे देख के ऐसा लगता है जैसे ये एक नल सेट है, एम्प्टी सेट, मतलब इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है. आप देखोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज वन. वन क्यों, क्योंकि इसमें जीरो है, जीरो एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है. अगर जीरो एलिमेंट है, इसका मतलब उसमें एक एलिमेंट तो है कम से कम. अगर एक एलिमेंट है तो इसका मतलब वो एम्प्टी सेट नहीं है, वो एक फाइनाइट सेट है. फाइनाइट सेट इसीलिए क्योंकि इसमें एलिमेंट्स के नंबर्स को मैं गिन सकता हूँ, काउंटेबल है. अगर आप उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि वो एक फाइनाइट सेट है, और नहीं कर पा रहे तो इनफाइनाइट सेट. अगर उसमें एलिमेंट ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इन 11th एंड 12th बोथ. क्या आप ऐसे किसी स्टूडेंट का कलेक्शन बता सकते हो जो 11th में भी पढ़ते हो और 12th में भी पढ़ते हो, मतलब दोनों क्लासों में बराबर पढ़ते हो. ऐसा कोई भी स्टूडेंट पॉसिबल नहीं है कि इसने 11th का एग्जाम भी देना हो और 12th का भी एग्जाम देना हो. तो ये हो गया अपना कि ये एम्प्टी सेट हो गया अपना, जो मैंने अभी बोला था, एग्जाम्पल दिया था वो. अब मोस्ट प्रोबेबली हम कल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाला है कल से हमारा, और जो भी डेफिनेशन बीच में आएंगी वो आपको बता दी जाएंगी. और कुछ अभी बची हुई है कुछ डेफिनेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे. वो सारी डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियोस में कवर की जाएंगी. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें फॉलो करें इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी इंस्टाग्राम पर भी. थैंक यू.